चैप्टर वन सेट्स, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है. मिसलेनियस का मतलब होता है ये मिला जुला, यानी कि बहुत सारी चीज़ एक साथ. तो जो चैप्टर में सब हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ इसमें आएंगी, सारे टाइप के एग्जांपल होंगे, एक तरीके से रिमिक्स कह सकते हैं आप. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर. ए बी सी डी, हमारे पास चार सेट हैं, इन्हें हमें बताना है कि सबसेट्स कौन से हैं कौन से नहीं है. ए को हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12 को फैक्टराइजेशन से, तो हम देखेंगे 2 और 6 हमारा सॉल्यूशन आ रहा है. होपफुली आप इसको निकाल लेंगे. तो 2 और 6 से हम बात शुरू करते हैं. तो क्या करके देखते हैं क्या हो रहा है. ये ए 2 6, तो ये तो बी में आ रहा है, सी में भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है. तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सी. ए की बात हो गई अब. ये अब बी को देखते हैं, बी तो केवल इसी में आ रहा है, बाकी तो किसी में नहीं आ रहा है. तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी. देखिए 2 4 6 इसमें मिल रहा है आपको. अब डी में आते हैं. अब सी की बात देखिए, सी सबसेट किसी का नहीं हो सकता क्योंकि सी तो इनफाइनाइट है, नेवर एंडिंग है. तो ये तो किसी का सेट हो ही नहीं सकता, ये एक तर्क है. डी पे आइए, डी बेचारा एक ही मेंबर है, ये इसका भी और तीनों का सबसेट है. अगले सवाल में आते हैं, नेचर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू प्रूव इट. हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर है तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों. तो पहला है हमारे पास, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि एक्स कोई मेंबर है वो ए को बिलोंग करता है, और जो ए सेट है वो बी को बिलोंग करता है, तो एक्स बी को बिलोंग करता है. अब ये देखिए, ये फॉल्स है. उसका कारण ये है, ध्यान दीजिएगा. मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं. मैंने ये पहले बताई थी आपको, मेरे पास ये सेट है, और इस सेट में अगर मेरे पास ये है 1 2, और मैं एक इसके अंदर एक और सेट रखता हूं जिसमें 3 रखता हूं, तो अगर मैं कहूंगा 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि 1 और 2 तो इसके मेंबर है, 3 मेंबर नहीं है. 3 इज नॉट अ मेंबर, दिस इज अ एंटायरली अ डिफरेंट सेट. ये डेस सेट है, इसको आप भूल जाइए, इसको कुछ एक्स मानिए आप या पी मानिए, ये कुछ अलग ही है. हाँ, अगर आप बोलेंगे कि ये 3 इस तरीके से बिलोंग करता है तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है. तो ये जो चीजें आएंगी ना इसमें, मोस्टली वो इस तरीके की आएंगी, इसलिए पहले मैं आपको समझाया. तो पहला फॉल्स है, उसका कारण ये है, पहले यहीं से बताता हूं मैं आपको. एक एग्जाम्पल लेते हैं ए 1 2, और एक एग्जाम्पल लेते हैं बी 1 1 2 और 3. अब देखिए, इसमें एक एक्स यानी कि 2 इसको बिलोंग करता है बिल्कुल, क्योंकि 2 इसके अंदर है, और जो ये 1 2 है, यानी कि जो ये ए है ना, ये ए बी को बिलोंग करता है. कैसे? ये देखिए, यहां पर बी, हमने बी इस तरीके से चूज किया है, लेकिन क्या सेट ए सेट बी को बिलोंग करता है? क्या 1 2, ये क्या 2, क्या ये 2 इसको बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं. 1 2 जबकि इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन नहीं साहब, ये एक अलग से सेट है, ये एक अलग चीज है, इसको भूल जाइए आप. ये 2 इसके अंदर नहीं है. 2 अगर ये 1 कॉमा करके होता, 1 कॉमा 2, तो कोई बात नहीं थी. तो ये चीज प्रूव हो गई कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगले में आते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी. सबसेट अलग चीज होती है और बिलोंग करना अलग बात होता है. तो ए बिलोंग टू सी भी होगा. क्या ये चीज है? मैं इसको कहता हूं कि ये भी फॉल्स है. अब इसको प्रूव करते हैं, कैसे देखिएगा. ये एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि आप इसी एक एग्जाम्पल को लें, आप यहां पर कुछ मेंबर बढ़ा दें, कुछ कम कर दें, या फिर अपने हिसाब से कुछ चूज कर लें, बिल्कुल सही है ये. तो अब देखिए, हमने सेट लिया ए और सेट लिया बी. ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्योंकि 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बी बिलोंग्स टू सी, देखिए 0 और 2, ये पूरा का पूरा विद ब्रेसेस एज अ सेट यहां बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ए तो भी सी को बिलोंग नहीं करता, ए तो 2 है, दिस इज 2 ओनली एंड दिस इज अ होल सेट.
क्या इसके अंदर आपको ये दिख रहा है? टू, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये भी प्रूव हो गया। थर्ड में आते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, हमको बताना है कि ए सबसेट ऑफ सी होगा कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल ट्रू है, उसका कारण ये है कि ए बी को बिलोंग करता है, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होना चाहिए। उसका कारण ये है कि मान लीजिए कोई एक्स बिलोंग करता है ए को, एक्स बी को बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, और एक्स सी को भी बिलोंग करेगा क्योंकि बी सी का सबसेट है, तो इसीलिए ए सी का सबसेट है। ट्रू में नहीं देना है एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैंने केवल एक तरीके से बताया आपको कि अगर मैं एक वैल्यू लेता हूं वो ए बी का सबसेट है तो ए में भी है बी में भी है, बी सी का सबसेट है मतलब बी में भी है सी में है, इसका मतलब ए और सी दोनों आपस में सबसेट हो गए, आपस में मतलब ए सब सी का सबसेट हुआ, जरूरी नहीं है सी ए का सबसेट हो। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ में है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ए नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्या हम ऐसे कह सकते हैं? चलिए करके देख लेते हैं, ये फॉल्स है। पहले हम ए 1 2 लेते हैं, बी 0 6 8 लेते हैं और सी 1 2 6 9, ऐसे वैल्यू लेते हैं। अब इसको लेने का मैं तरीका भी आपको बताता हूं, उसका कारण क्या है, मैंने 1 और 2 यहां भी लिया हुआ है कुछ खास प्रयोजन से। तो ए सबसेट ऑफ बी तो है नहीं, देखिए 1 और 2 यहां दिख नहीं रहा है, बी यहां नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 0 6 9 यहां नहीं है, पूरा का पूरा होना चाहिए ना, लेकिन ए सी का सबसेट है। देखिए कि 1 और 2 यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं सी में, 1 और 2 सी में दिखाई दे रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये एक प्रयोजन था 1 2 को यहां पर डालने का, ये मैं बताना चाह रहा था। अब फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे कहा गया है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि कोई मेंबर है जो ए को बिलोंग नहीं करता, और हाँ ए बी का सबसेट भी नहीं है, तो एक्स बी को बिलोंग करेगा। ये तो खैर इसको दे के समझ में आ रहा है कि ये तो फॉल्स है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। हम एक सेट लेते हैं ए 3 5 7 और बी सबसेट लेते हैं 3 4 6। तो देखिए 5 तो ए को बिलोंग कर रहा है, दिस 5, और जबकि ये इसका सबसेट भी नहीं है, सबसेट मतलब 3 5 7, तो तीनों दिखने चाहिए यहां पर। हाउ एवर 5 डज नॉट बिलोंग टू बी, 5 कहां इसमें दिखाई दे रहा है, तो वही चीज मैंने यहां पर प्रूफ की। अब ये इसके आखिरी जो सब पार्ट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इसका उत्तर जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रू है। इसको हम देखेंगे कैसे, ए बी का सबसेट है, यानी कि बी ए है तो ए इसके भी अंदर है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, हमको ये शो करना है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। हम मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए कोई एक्स ए को बिलोंग करता है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, वो तो इसमें बिलोंग, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, एज एक्स बिलोंग्स टू बी दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। अगर एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है तो एकदम बड़े बड़ा गोला देखिए, छोटा गोला यहां है तो ये तो इसके अंदर अपने आप आ गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन शो कर गया, इसलिए मतलब जो ऊपर वाली चीज जो बोली बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, लेट ए बी सी विद सेट सच दैट, एक ए बी सी सेट है जिसमें ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, हमें शो करना है बी और सी दोनों एक है। तो लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट, कुछ ए बी सी है जिसमें हमने ये दोनों चीजें ले ली, यहीं से ले ली, हमको शो करना है बी और सी है, तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम ये वाला एक इक्वेशन कह सकते हैं, इसको लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का मिला जुला, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है, यूनियन का मतलब हो गया क्या कि एक्स तो ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स सी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों का मिला जुला होता है ना, एक्स और वाई का अगर हम यूनियन लेते हैं तो दोनों आ जाता है, तो इसलिए एक्स दोनों को बिलोंग करता है। अब इसमें क्या है कि हम
एक और चीज आगे बढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक एक्स है जो ए को भी बिलोंग करता है बी को भी बिलोंग करता है, मतलब इस रीजन में आना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में आना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी में आना चाहिए तो ए इंटरसेक्शन सी में भी आना चाहिए, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स सी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू सी, यहां से हमने लिया ना एक्स बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब यह है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। आप समझ पा रहे हैं, हमने यहां से शुरू किया कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, दैट इज बी इज अ सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली इसी तरीके से ये वाले केस को लेकर हम ये भी कह सकते, इसी को हम माने, अगर ये वाला इसी को दोबारा लें तो हम देखेंगे कि C इज अ सबसेट ऑफ B भी है। ये इसका उल्टा हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें हमें दी गई हैं, इसका उल्टा प्रूव करेंगे। अब जब A इज अ सबसेट ऑफ B, सॉरी B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, दैट मीन दे आर इक्वल, तो B इज इक्वल टू C हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर में है, शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्वलेंट। A इज अ सबसेट ऑफ B, A माइनस B इज 5, A यूनियन B इज B और A इंटरसेक्शन B इज A, यानी कि 1 और 2 हमें पहले तो शो करना है इसके से। लेट A सबसेट ऑफ B, हमने ये पहले मान लिया, चलिए A सबसेट ऑफ B, हमको ये शो करना है कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू 5। ये हम क्यों शो करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर हम इसको बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ये देखिए जो तरीका है वो थोड़ा सा इस तरीके का है, इसमें जैसे मैंने पहले बताया था बिलोंगिंगनेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, हम बोलते हैं कि देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, हमको शो करना है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू दिस 5। हम सपोज करते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग टू ए, एक ऐसा एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब तो ये हुआ ए माइनस बी 5 है, मतलब कोई एक्स ऐसा है जो ए को बिलोंग करता है बी को बिलोंग करता है, इसका ए माइनस बी का मतलब यही है। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए तो सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ए माइनस बी तो 5 होना ही चाहिए, इट हैज टू बी ए माइनस बी इक्वल टू 5। देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू 5। इसे कहते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज बाय प्रूविंग, मतलब हमने पहले गलत मान लिया, गलत मान के बोला नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा देखते हैं, टू शो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं चलिए कि ए एक्स कोई है वो ए को बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करेगा बी को, बिकॉज इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं करता है देन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू a है और हम क्योंकि उल्टा प्रूव कर रहे हैं, एक प्रूविंग यहां से यहां हो चुकी है इधर से इधर, अब हम यहां से यहां करने की कोशिश करें तभी तो ठीक होगा ना। तो हम मान लीजिए कोई x बिलोंग्स टू सबसेट a कर रहे हैं, अगर x बिलोंग्स टू b है, बिकॉज इफ x डज नॉट बिलोंग टू b, a माइनस बी तो 5 हो जाएगा ना, x को तो b में बिलोंग करना पड़ेगा तभी तो a से हटेगा वो, इसका मतलब a माइनस बी तो एम्प्टी हो गया, इट हैज टू बी एम्प्टी, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2। अब अगले में आते हैं, लेट a इज अ सबसेट ऑफ b, हम मानते हैं कि a सबसेट ऑफ b। अब क्योंकि चारों को इक्वलेंट करना है ना, तो अब इन दोनों पे आ रहे हैं हम, ये दोनों पे, इन दोनों का हो गया, हमने प्रूविंग कर दी, प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन, अब इन दोनों पे आ रहे हैं। टू शो ए यूनियन बी इक्वल टू, ये हमको शो करना है। अब देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो और बी ए यूनियन बी के बराबर है, तो बी की जगह अब ये पुट कर दीजिए, तो ये लाइन आ जाएगी। तो अब देखिए एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, इसका मतलब एक्स ए को भी बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा, और है यहां पर ध्यान दीजिएगा, और एंड नहीं है, एंड मतलब फिर इंटरसेक्शन होना चाहिए था। तो अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए और बी तो सबसेट है,
यानी कि ए यूनियन बी बिलोंग्स टू बी, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू बी। अगर मान लीजिए कोई एक्स आप बिलोंग्स टू बी ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं, तो क्योंकि ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है, तो ए यूनियन बी बी के बराबर है मतलब एक्स ए के बराबर है, एक्स बिलोंग ए को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यहां से लिया तो एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए यूनियन बी तो खुद ही बी है, इसकी जगह मैंने बी रख दिया, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हेंस वन एक पहला और तीसरा भी हो गया। अब चौथे पे आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। अभी चौथे पे आते हैं, पहले इसको लेके इसको किया, हमें क्या करना है कि ये प्रूव करना, अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहले और चौथे पे आते हैं क्योंकि इसका तरीका यही है, इसलिए इससे समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए अब चौथे पे आते हैं आप, लेट ए इज अ सबसेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू ए। ओके, तो मान लीजिए एक्स ए को बिलोंग करता है, तो वी हैव टू शो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो। तो ए सेट सबसेट ऑफ बी का, इसका मतलब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है तो ए बी ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हैंस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप कन्वर्सली इसको देखना चाह रहे हैं तो आप मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी ए है, तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए की जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी रख दूं तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है, एंड ध्यान दीजिएगा और नहीं है ये, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए बी का सबसेट है। तो एक और ये चौथा भी प्रूव हो गया। इसको दो तीन बार समझेंगे आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव पे आते हैं, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए ऑल्सो। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो सी माइनस बी भी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसका भी तरीका यही है, आप मान लीजिए लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो मान लीजिए पहले वाले इसको लीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इसका मतलब एक्स सी को बिलोंग करता है, एक्स बी को बिलोंग नहीं करता क्योंकि सी माइनस बी मतलब सारे बी की वैल्यू सी से हटा दीजिए। इसका मतलब एक्स सी को बिलोंग करता है और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए ऑल्सो बिकॉज ए एंड बी आर सबसेट यहां पर दिया हुआ है, यानी कि एक्स बिलोंग किसको करता है, अब एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, व्हाट डज दैट मीन, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, सी से ए को हटाएंगे तभी तो ये चीज आएगी। अब ये जो चीज है देखिए, यहां भी प्रूविंग हो गई और यहां पर भी हमने इसको यहां से शुरू किया था, x बिलोंग्स टू c माइनस बी से प्रूव हो गया कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए ऑल्सो इफ सम वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो c माइनस बी को भी बिलोंग करती है, c माइनस ए को भी बिलोंग करती है, दैट मीन्स c माइनस बी हैज टू बी अ सबसेट ऑफ c माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। अब आया है अज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी शो दैट ए इक्वल टू बी। हम अज्यूम करें कि अगर पावर ऑफ सबसेट पावर ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सबसेट की आदत हो गई, इसे सबसेट बार बार बोल रहा हूं मैं, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट बी शो दैट ए इक्वल टू बी। तो हम इसको मानते हैं, लेट एज्यूम पी ए इक्वल टू पी बी, हमको ए इक्वल टू बी शो करता है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये पावर सेट है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो ए तो पावर सेट पे आएगा ही आएगा, और चूंकि पी और पी बी को इक्वल माना है तो ए बिलोंग्स टू पी ए और ए बिलोंग्स टू पी बी, देयर फॉर एक्स बिलोंग्स टू सी फॉर सम सी विच इज बिलोंग्स टू पी बी। कोई अगर सी मान लें वो आपका सी को बिलोंग करता है तो पी बी को भी तो बिलोंग करेगा, इसका मतलब सी बी इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब सी इज अ सबसेट ऑफ बी, और पी बी को बिलोंग कर रहा है तो सी सबसेट ऑफ बी है। और क्योंकि x बिलोंग्स टू b है, क्योंकि x बिलोंग्स टू b है तो a और b सबसेट हो गए, a और b सबसेट हो गए। इसी तरीके से हम a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल सेम तर्क लेके, तो इसलिए a इक्वल टू b हो गया, क्योंकि पावर जो भी पावर ऑफ a होगा, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, पावर ऑफ ए है मतलब ए इसको बिलोंग करता है, पावर ऑफ बी मतलब इसको बी बिलोंग करता है। मैं केवल बी यहां पर इसलिए नहीं ले पाया, जैसे एक्स लिया ना, तो अगर आप इस कैपिटल सी को आप वाई मान के चलें तो आपको और इजी हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर मैं
वाई स्मॉल क्यों नहीं मान पा रहा हूं, उसका कारण है वाई छोटा मतलब कोई मेंबर हो गया, लेकिन यहां मेंबर की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक प्रॉपर सेट की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पूरी सेट पावर सेट में तो सेट्स आते हैं ना, तो इसीलिए सी सेट को बिलोंग करता है, और सी सेट को पीबी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कभी ना कभी तो सी बी का सबसेट हो, कोई ना सी बी का सबसेट होगा तभी तो पावर बी में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये प्रूविंग हो गई। क्वेश्चन सेवन में आते हैं, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये बिल्कुल गलत है, उसको मैं प्रूव करके बताता हूं आपको। ए को 01 मानिए, बी को 12 मानिए, ए यूनियन बी 012 हो गया। पावर ऑफ सेट क्या है, ए पावर ऑफ ए होता है वो सारे सेट जो इससे बन सकते हैं, तो इससे क्या बनेंगे, पहले तो ये नल, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो वन, ये बन जाएंगे। पी बी से क्या बने, फाइव वन टू और फिर वन टू, ये पूरे हो गए। ए यूनियन बी निकाल लीजिए, इन दोनों का यूनियन भी, ये देखिए पूरे ही आ जाएंगे। अब पी ए और पी बी का अलग अलग निकालिए, देखिए यहाँ पर तो क्या ये सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये प्रूव हो गया। इसकी जगह और भी कोई मेंबर ले सकते हैं, बस मैंने क्या किया ए और बी में एक वैल्यू कॉमन ले ली, बस यही करने की कोशिश की है। वन वन कॉमन ले लिया ना इसमें, इसीलिए ये हो गया। आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं जिसमें एक कॉमन ले लेंगे तो आपको इजीली प्रूव हो जाएगा।